अगर दुनिया में औषधियों को नंबर दिया जाए तो उसमें सबसे पहला रैंक अगर वर्ल्ड में किसी एक दवा का होगा तो उसका नाम है घी। जी हाँ, आपके घर में रखा घी और उस घी की दो बूंद आपको एक नई जिंदगी दे सकती है। और ये घी सिर्फ आपको ही नहीं, आपकी आने वाली जितनी भी जनरेशन है उन सबको नई जिंदगी देने की ताकत रखती है। इसलिए घी दो बूंद जिंदगी की। आज इस टॉपिक में हम तीन विशेष चीजों के बारे में बात करेंगे। नंबर एक, घी के वो कौन से गुण हैं जो आपकी जिंदगी के लिए इसे सबसे महत्वपूर्ण बनाते हैं। नंबर दो, सिर्फ दो बूंद घी से आप कितनी बीमारियां ठीक कर सकते हैं। और नंबर तीन, क्यों अपने बच्चों के लिए जमीन जायदाद रखने से अच्छा घी रखना ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। वेलकम टू ओज आयुर्वेद, जहां मिलेगी आपको आयुर्वेद की एकदम सही सही जानकारियां, वो भी आयुर्वेद के प्रमाण के साथ। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आयुर्वेद में घी को सर्वश्रेष्ठ दवा का दर्जा दिया गया है, खास करके अगर वो गले के ऊपर की दवाइयों की बात की जाए तो। अगर गले के ऊपर के आपको कोई भी रोग है, चाहे वो गला हो, नाक हो, दांत, आंख, कान, सिर, बाल, ब्रेन, किसी भी चीज की बात कर लीजिए, उसमें घी सर्वश्रेष्ठ है। इसीलिए तो चरक ऋषि ने उन्माद और अपस्मार अर्थात दिमाग की जो पागलपन की बीमारियां हैं और ब्रेन रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर है उसमें घी को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। आयुर्वेद में घी का नेचर ठंडा कहा गया है और इसे विष नाशक कहा गया है। अर्थात आजकल जितने भी प्रकार के विरुद्ध आहार किए जाते हैं, या खेतों में यूरिया, डीडीटी ये सब डाला जाता है, या फिर पॉल्यूशन है, किसी भी प्रकार का विष हो, चाहे वो डिओड्रेंट, लिपस्टिक, कुछ भी हो, उन सबको खत्म करने की ताकत घी में रखी है। घी की विशेष प्रॉपर्टी है कि वो धी, ध्रुति और स्मृति, दिमाग के इन तीनों चीजों पे काम करता है। अर्थात किसी चीज को समझना, समझ के उसको याद कर लेना और जब जरूरत पड़े तो एन मौके पे उसे फिर से याद कर लेना, ये तीन विशेष प्रॉपर्टी एकमात्र घी के अंदर एक साथ पाई जाती है। इसीलिए तो बच्चे हो या बूढ़े, जिस किसी को भी अपनी ब्रेन की ताकत एकदम स्ट्रांग रखनी है, दिमाग हमेशा सुपर फिट रखना है, उसे घी का सेवन जरूर करना चाहिए। घी का एक और विशेष गुण है कि यह स्वभाव में ठंडा है। जिन लोगों को भी गुस्सा बहुत ज्यादा आता है या जिन लोगों के दिमाग में हमेशा गर्मी बनी रहती है, ऐसे लोग जो छोटी छोटी बात पे ही दाग द फायर हो जाते हैं, उन सभी के लिए, और ऐसे लोग जिनके गर्मी के कारण जवानी में ही बाल झड़ रहे हैं, जवानी में ही बाल सफेद हो रहे हैं या फिर आंखों की किसी समस्या से परेशान है, उनके लिए भी घी बेस्ट है। तो चलिए जानते हैं कि दो बूंद घी का किस तरह प्रयोग करना चाहिए और वह किन किन बीमारियों को खत्म कर सकता है। अगर आपके घर में घी रखा है, वैसे तो सभी घी अच्छे होते हैं, पर सभी घी में गाय का घी सर्वश्रेष्ठ होता है और गाय के घी को विशेष रूप से सात्विक कहा है। सात्विक अर्थात जो ब्रेन में बहुत अच्छे अच्छे विचार लाता है और दिमाग की क्वालिटी कई गुना ज्यादा बढ़ाता है। तो क्या करना है इस दो बूंद घी का? अगर आपके घर में गाय का घी रखा है तो 2 से 3 ड्रॉप उस घी को ले लीजिए, शांत होकर एक बिस्तर पर लेट जाइए और वो दो दो बूंद घी राइट और लेफ्ट दोनों नाक में डालना है। अर्थात दो बूंद घी राइट नाक में और दो बूंद घी लेफ्ट नाक में। अब घी को नाक में डालने की बात सुनते ही लोग बहुत बार चिरकुट जैसा मुंह बनाने लग जाते हैं कि छी, गंदा, नाक में घी कौन डालेगा, नाक में भी कुछ डाला जाता है क्या? जी हाँ, अगर इसके वैज्ञानिक और आयुर्वेदिक फायदे सुनेंगे तो एक नहीं, दिन में आप 15 बार नाक में घी डालेंगे। और डालना भी अपने नाक में है, कौन सा पड़ोसी या किसी दूसरे के नाक में आप घी डालने जा रहे हैं। तो दो दो बूंद घी अगर आप नाक में डालते हैं तो क्या फायदा होगा, चलिए पहले आयुर्वेदिक फायदे जान लेते हैं। आयुर्वेद में ऐसा कहा गया है, नासा ही सिरसो द्वारम, अर्थात आपकी जो नाक है वो आपके सिर का दरवाजा है। जैसे कि आप घर में जाते हैं तो घर में जाते समय आप दरवाजे से ही एंट्री मारते हैं, ऐसा तो है नहीं कि हल्की तरह एकदम छप्पर ऊपर तोड़ ताड़ के कोई अंदर घुसता है।
ऐसा तो कोई नहीं करता होगा। जब आप घर में जाते हैं तो दरवाजे से जाते हैं, वैसे ही अगर आपको दिमाग के घर में औषधि पहुंचाना है तो उसका दरवाजा आपकी नाक है। अब दिमाग में दवा पहुंचाना है तो आप कितना भी ठोक पीट या ऊपर से तो कुछ नहीं कर सकते, उसके लिए नाक का ही रूट यूज करना पड़ेगा। तो आयुर्वेद कहता है नासा ही सिरसो द्वारम, अर्थात नाक में अगर आप दो दो बूंद घी डालें तो क्या फायदे होंगे, ऊर्ध्व जत्रुगत रोग। ऊर्ध्व जत्रु अर्थात आपकी ये जो कॉलर बोन है, यहाँ की जो हड्डी होती है इस तरफ की, उसके ऊपर के जितने भी बीमारियों को आप जानते हैं, जो भी बीमारी हो, चाहे वो सिर हो, बाल हो, आंख, कान, नाक, मुंह, पिंपल्स, गला, थायराइड, अनिद्रा, बाल झड़ना, टेंशन, स्ट्रेस, बुद्धि, पैरालिसिस, कुछ भी नाम ले लो भाई, उसमें घी सर्वश्रेष्ठ है। सभी तरह के गले के ऊपर की बीमारी में दो दो बूंद नाक में घी डालना, जिसे कि आयुर्वेद के पंचकर्म में नश्य कहते हैं, नश्य, दो दो बूंद घी डालना आपके लिए एकदम बेस्ट चीज है। आप बोलेंगे आयुर्वेद में तो बोला होगा पर हमें तो प्रूफ चाहिए या मॉडर्न क्या बोलता है, तो चलिए मॉडर्न की भी बात कर लेते हैं। मॉडर्न साइंस ये कहता है कि हमारे नाक और दिमाग के बीच में एक स्पिनॉइड नाम की बोन होती है, हड्डी होती है, जिसमें की छोटा सा खड्डा है और वहां से सभी नसें आती जाती हैं। जब आप ये दो दो बूंद नाक में घी या तेल डालते हैं तो उस नसों की थ्रू आपके ब्रेन को नरिशमेंट मिलता है। आपके दिमाग और शरीर के बीच में एक दरवाजा है जिसका नाम है ब्लड ब्रेन बैरियर, BBB, ट्रिपल बी, BBB मतलब ब्लड ब्रेन बैरियर। आपके दिमाग और शरीर के बीच में ये जो दरवाजा है, इस चीज को सबसे जो बेस्ट तरीके से पार कर सकता है वो है लिपिड। लिपिड मतलब तेल और घी। तो जितनी भी दुनिया में चिकनी चीजें हैं उसमें घी सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए दो दो बूंद नाक में घी डालना आपके गले के ऊपर के सभी के रोगों के लिए अल्टीमेट है। अब ये कौन कौन सी बीमारियां ठीक करता है। नंबर एक, अगर आपको टेंशन है, वैसे टेंशन किसे नहीं है, आज पैदा हुए बच्चे से लेके मरने वाले आदमी तक हर एक को किसी न किसी प्रकार का टेंशन है, तो पैदा हुए बच्चे से लेके आखिरी दिन के आदमी तक हर एक के लिए घी सुटेबल है। खास करके अगर 5 साल के ऊपर का कोई भी व्यक्ति है तो वो सभी लोग इसका यूज कर सकते हैं। क्या करना है, दो दो बूंद देसी गाय का घी हल्का सा गुनगुना कीजिए। घी को कांच की बोतल में भर के रख लो, उसे गर्म पानी में रख दो। जब ये घी पिघल जाए तो इसे दो दो बूंद नाक में डालना है। केवल यह दो दो बूंद घी आपके गले के ऊपर के जितने भी रोग हैं, खास करके स्ट्रेस या उस टेंशन के कारण जिन्हें नींद नहीं आती, उनके लिए सबसे बेस्ट दवा है। जिन लोगों को दिमाग की ताकत बढ़ानी है या जो लोग दिमागी काम करते हैं, टीवी, कंप्यूटर, ऑफिस, या जो लोग पढ़ाई करते हैं, या वकील, डॉक्टर, ऐसे लोग जिनका ब्रेन रिलेटेड काम ज्यादा है, उन सबके लिए ये सर्वश्रेष्ठ चीज है। नंबर तीन, जिन लोगों के दिमाग में गर्मी बढ़ गई है और गुस्सा बहुत आता है, अब वो गर्मी बढ़ने के कारण चाहे बाल झड़ रहे हो, बाल सफेद हो रहे हो, या छोटी छोटी बात पे जो लोग एकदम फायर हो जाते हैं, उनको पकड़ के केवल दो दो बूंद घी नाक में डाल दिया जाए तो वो कुछ मिनट में एकदम साइलेंट मोड पे चले जाएंगे, उनके लिए बेस्ट है। अगर आपके घर में बच्चे हैं और वो बिल्कुल भी शांत नहीं होते, हमेशा आंधी तूफान मचा के रखते हैं, उन बच्चों को पकड़ो और रोज दो दो बूंद नाक में घी डालते जाओ, कुछ ही दिनों में आप देखोगे कोई एकदम शांत हो चुके हैं। अगर उम्र बढ़ गई है और उम्र के कारण कुछ याद नहीं रहता, दिमाग में कुछ क्लिक नहीं होता एंड टाइम पे, उनके लिए, मतलब ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है या ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसमें ये दो दो बूंद घी का प्रयोग ना किया जाए, तो घी हर एक व्यक्ति हर एक काल में यूज कर सकता है हल्का सा गुनगुना करके। अगर आपको नाक में घी डालने की आदत नहीं है तो आप शुरुआत में लिटिल फिंगर उसमें घी में डाल के आप नाक के अंदर लगा सकते हैं। जब धीरे धीरे आदत हो जाएगी तो फिर आप दो दो बूंद घी नाक में डाल सकते हैं। कितनी बार, दिन में जितनी बार चाहो उतनी बार। और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो रोज सुबह, दोपहर, शाम या रात, इन 3 टाइम पे तो आपको 3 से 4 टाइम पे तो आपको
घी नाक में डालना ही चाहिए। बात करते हैं आखिरी पॉइंट की, आपको अपने बच्चों के लिए जमीन जायदाद के बदले घी क्यों रख के जाना चाहिए। देखिए, जमीन जायदाद या प्रॉपर्टी के बारे में ऐसे कहा जाता है कि अगर आपके बच्चे योग्य हैं, अच्छे हैं, तो वो खुद से ही बना लेंगे। अगर वो योग्य नहीं है तो जो आपने बना के रखा है उसे भी बर्बाद कर देंगे। दुनिया में कुछ रेयर जो चीजें हैं उनमें से घी ही एक ऐसी चीज है, जैसे जैसे ये पुराना होता है इसकी क्वालिटी कई गुना ज्यादा बढ़ती चली जाती है। आयुर्वेद में तो हजार हजार साल पुराने घी का वर्णन है, और घी जितना पुराना होगा वो उतनी बड़ी दवा बन जाएगा। घी की कोई भी एक्सपायरी डेट नहीं होती, कभी भी नहीं। और घी के अंदर जो गंध बढ़ती है वो उसके प्रोटीन के कारण है, घी की जो विशेष स्मेल बढ़ती जाती है वो उसके कारण है। इसलिए आयुर्वेद में जितने भी मानसिक रोग हैं उसमें पुराने घी का वर्णन बोला गया है। तो आप जो मोबाइल, लैपटॉप, सोना, चांदी, इन सब में जो पैसे डालते हैं, इससे अच्छा ये हो 20-25 हजार रुपए का इन्वेस्टमेंट करके देसी गाय का घी खरीद के एक जगह पे रख लीजिए, और इसी घी को रोज केवल 2-2 बूंद घर में नाक में डालने के लिए यूज करते जाइए। ये जितना पुराना होते जाएगा उतनी बड़ी दवा बनते जाएगा। और भगवान न करे अगर कई वर्षों बाद आपको ऐसे रोग हो जाए जिसमें डॉक्टर बोल दे कि अब आपका कुछ नहीं हो सकता, उस टाइम पर भी ये घी आपको फिर से नया बनाने की ताकत रखता है। तो घी आपकी जिंदगी के लिए एक सबसे बेस्ट चीज है। इसलिए कॉलेज के जब मैं फर्स्ट ईयर में था तब चार्वाक ऋषि का एक श्लोक था, यावत जीवेत सुखम जीवेत रुडम कृत्वा घृतम पीबेत, अर्थात उधार लेकर भी घी खाने के लिए बोला था। तब मैं सोचता था कि सिर्फ घी को ही क्यों बोला लेके खाने के लिए, बहुत सी चीजें बोल सकते थे। तो शायद घी के बारे में बोलने का एक कारण यही होगा कि यह एक ऐसी चीज है जो गोल्ड या स्वर्ण से भी ज्यादा कई गुना ज्यादा पावरफुल है। तो 2-2 बूंद घी अपने जिंदगी में जरूर यूज कीजिए, ये आपके लाखों रुपए बचा के रखेगी, स्वस्थ भी रखेगी और आपको मस्त भी रखेगी। यह वीडियो आपको कैसे लगा हमें जरूर बताइए। घी के बारे में आपको कौन सी बात अच्छी लगी और आप घी के बारे में और क्या जानना चाहते हैं हमें कमेंट करके जरूर पूछिए। और आयुर्वेद में कहे घी के इतने कमाल के गुणों को ज्यादा से ज्यादा लोगों को जरूर बताइए, ताकि घी की ताकत लोग सच में जान सके। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।